अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस स्टूडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को प्रूव करना है और इसका जो सिंपल सा एक मेथड है वो मेथड आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। आसान सा प्रैक्टिकल है लेकिन यह इंपॉर्टेंट भी है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि प्रैक्टिकल्स की रिलेटेड जितनी वीडियो आती है वो सारी आप लोग देख लें। और इसका फायदा ये होगा कि आप जब एग्जामिनर सेंटर में बैठोगे तो वहाँ पे आप एक दूसरे बच्चे का मुंह नहीं देख रहे होंगे बल्कि आप वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे और एग्जामिनर आपसे इंस्पायर भी होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो करने लगे हैं, हमने प्रेजेंस कार्बोक्सिलिक एसिड की शो करनी है। इसके लिए जो हम लोग कार्बोनेट, कोई भी एक कार्बोनेट ले लेते हैं, जिंक का ले लें, सोडियम का ले लें, जिस भी चीज़ का एक कार्बोनेट लेंगे उस कार्बोनेट के टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास होगी उसमें हम लोग ले लेंगे लाइम वाटर और इसमें हमारे पास जो कार्बोनेट होगा इन दोनों में से एक डिलीवरी ट्यूब डाल के हम लोग लगा देंगे। और जो हमारे इधर हमने कार्बोनेट लिया होगा उस वाली जो हमारे पास होगी ट्यूब वो उसको हम लोग एयर टाइट भी रखेंगे, रबड़ कार वगैरह लगा के, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको एयर टाइट कर देंगे। अब आप लोग काम क्या करेंगे, एयर टाइट करने से पहले हम लोग एसिटिक एसिड बीच में ऐड करेंगे कार्बोनेट के साथ, वो जिंक कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, जो भी जिस भी चीज़ का कार्बोनेट है उसमें हम लोग एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जबकि वो टेस्ट ट्यूब को सारी को आपने एयर टाइट कर दिया होगा, तो वो जो रिलीज होगी वो डिलीवरी ट्यूब के रास्ते से होती हुई, वो जो डिलीवरी ट्यूब लाइन वाटर के अंदर जा रहा होगा, उसका दूसरा मौत वहां से लाइन वाटर के अंदर जाएगी। और वो जो लाइन वाटर है वो पहले कलरलेस होगा और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आना शुरू होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, आने की वजह से वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मतलब है कार्बोक्सिलिक जो हमारी आइडेंटिफिकेशन वो प्रूव हो गई, अगर वो मिल्की नहीं होता तो हमारी आइडेंटिफिकेशन प्रूव नहीं होगी। इसमें अक्सर ये इसका रिजल्ट नहीं आता, लोग इसमें देख रहे थे मुंह की पता नहीं ये लिखा ही गलत हुआ ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक ही गलती है, आप लोगों ने जब इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी है तो जो इसमें डिलीवरी ट्यूब का रास्ता है उसमें कहीं भी डिलीवरी ट्यूब के अलावा कहीं भी दूसरी जगह से जैसे एसिटिक एसिड आप जिंक कार्बोनेट में डालते हैं फौरन से उसको एयर टाइट कर देते हैं और किसी भी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होने का रास्ता नहीं होगा सिवाय डिलीवरी ट्यूब के। और वो जो डिलीवरी ट्यूब होगी वो लाइन वाटर के अंदर होनी चाहिए, तो आपका लाइन वाटर मिल्की होगा ही होगा, ये हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइन वाटर को मिल्की कर देती है, तो वो लाइन वाटर मिल्की होगा, जो मिल्की होगा वो इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये प्रैक्टिकल हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस जो आप लोग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी नई वीडियो वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स ये सारी वीडियो देख के इनको तैयार करेंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर। थैंक यू सो मच।